Hey guys, welcome to Traveler's Life Cycle and my new blog, Darjeeling. So, इस ब्लॉग में मैं आपको दार्जिलिंग के बारे में बतलाऊंगा, साथ साथ मैं इस बार ट्रैकिंग करूंगा संदकफु और आपको माउंट एवरेस्ट फैमिली दिखाऊंगा. सो इस वक्त हम हैं सिलीगुड़ी में, यहाँ से हम जाएंगे दार्जिलिंग और उसके लिए हमने शेयर टैक्सी बुक की है. सो 200 पर पर्सन लगा है. सो लेट्स गो टू दार्जिलिंग नाउ. It's all I know. Tell me now, where did you go? I lost the light within your eyes. I call you down, let it shine. I see a shadow. It's all I know. Tell me now, where did you go? Go, 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 So finally we reached Darjeeling from Siliguri. So अब हम यहाँ से होटल सफायर जाएंगे. मैं पहले भी दार्जिलिंग आया हूँ तो मैं डायरेक्ट किसी होटल में जाता हूँ. बजट ट्रैवलर्स के लिए बहुत बढ़िया होटल है. सो हम वहाँ जाने से पहले दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन चलती है हम पहले उसे देखते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से होटल जाएंगे. सो लेट्स गो नाउ. So right now I am on Darjeeling station और हमारे पीछे Darjeeling की famous toy train है. So let's check it out. So this is the hotel where I am staying. Hello. This is the reception counter. और पहले मैं आपको room दिखलाता हूँ और rates मैं आपको room में बतलाऊँगा. So, मेरे पीछे ये रूम है. सूर्या, मैं मिलवाना भूल गया आपको अपने फ्रेंड से. सूर्या, हाय. एंड सौरभ, पिछले ब्लॉग्स में आपने छठ पूजा के ब्लॉग्स में आपने देखा होगा. सो दिस वॉज द व्यू फ्रॉम द रूम और ये रूम हमें 800 में पड़ा है 4 persons के लिए. सो दिस इज रियली गुड फॉर द बजट ट्रेवलर्स. And at a very good place. माल रोड सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से और बेसिकली हमें यहाँ से संदकफु ट्रैक करना है. सो एक दिन का हॉल्ट था ये हमारा. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द माल रोड नाउ.
So we have now reached to the Mal Road. So now let's go and explore the Mal Road now. तो ये था दार्जिलिंग पार्ट वन, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टुमलिंग दिखाऊंगा जहां से कंचनजंगा दिखता है। दार्जिलिंग से भी कंचनजंगा दिखता है लेकिन टुमलिंग से ज्यादा अच्छा व्यू आता है। और पार्ट थ्री में मैं आपको संदकफू ट्रैक करूंगा, टुमलिंग टू संदकफू ट्रैक करूंगा और संदकफू से एवरेस्ट फैमिली दिखता है। सो मैंने दार्जिलिंग इस बार ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि ये हमारा बेस कैंप था संदकफू ट्रैक के लिए। बहुत से लोग माने भजंग और मिरिक को बेस कैंप बनाते हैं लेकिन मैंने दार्जिलिंग को बनाया क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। माने भजंग और मिरिक में शॉपिंग के लिए उतने ऑप्शंस नहीं है जितने दार्जिलिंग में माल रोड पे है। अगर आपको वुलेन में शॉपिंग करना है तो दार्जिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो इस ट्रैक के बारे में या पिछले किसी भी ट्रैक के बारे में। मेरे पिछले वीडियोस देखो, उनमें अगर कुछ पूछना हो नीचे कमेंट करो। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटे को भी दबाओ ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप तक बजट ट्रैवल वीडियोस में और भी लेके आ सकूं। सो मिलते हैं सीधे टुमलिंग में।